Hi everyone, good evening. Hi Vatsal, hi Piyush, how are you all? Pyanchi, good evening. Vatsal, good evening. So, आज की क्लास में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर. ठीक है, कितने बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ रखा है? हाउ मेनी ऑफ यू डू नो दिस टॉपिक सेक्शन 299 और 300 आईपीसी. अब तक थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं. बहुत कम टाइम बचा है अब क्लैट एग्जामिनेशन के लिए. सब ऐसे आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. प्रणाम शुभम, विधि गुड इवनिंग, पीयूष मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, हाउ आर यू, अतुल गुड इवनिंग. ओके, सो बहुत कम टाइम बचा है, हमें सारी प्रिपरेशन करनी है. जो यहाँ पे नए हैं आज उनको मैं बता देती हूँ. मेरा नाम कृति भटनागर है, मैंने अपना BLLB 2019 में NLIU भोपाल से किया है और मैंने अपना क्लैट दिया था, तब मेरी रैंक आई थी 339. संस्कार गुड इवनिंग, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू. मैं वो भी कराऊंगी वत्सल, आज आईपीसी क्लास है वो वाला, हम जब उस दिन क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज की क्लास कर लो. तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत कम टाइम है, तो इसलिए मैनेज करना बहुत जरूरी है कि हम बोर्ड एग्जाम्स को भी मैनेज कर ले, अपनी क्लैट प्रिपरेशन को भी कर ले. तो क्लैट की प्रिपरेशन हमें ऐसी रखनी है कि हमारा दोनों साथ में हो जाए, हमारा बोर्ड भी बहुत अच्छे मार्क्स आए और क्लैट में भी बहुत अच्छे आए. आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए. उसके बाद आपको उसमें बहुत सारे क्लैट बैचेस मिल जाएंगे, तो उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो क्लैट एग्जामिनेशन के लिए. कल मेरी क्लास है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, अन अकेडमी के ऐप पे स्पेशल क्लास है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग आओगे. मैं वहाँ पे कल जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो सारे के सारे पैसेज बेस्ड होने वाले हैं, तो क्लैट एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे. तो कल 8 बजे उस क्लास के लिए ज़रूर आना. ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट सीरीज होती है मंडे टू फ्राइडे 3:00 से 3:30 तक. सिर्फ आधे घंटे की टेस्ट सीरीज है, हर सेक्शन का पता चल जाएगा कि आप कौन से सेक्शन में कैसा कर रहे हो परफॉर्म, और उसके बाद उसका एनालिसिस भी होता है कि टेस्ट में क्या पूछा गया था और कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो. और 1 फेब से 28 फेब तक रिवाइजर थॉन है, इसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल अगर आपने अब तक, आज आईपीसी है, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग मनमोहन, तो इसकी जो लिंक है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. ओके, और अनअकैडमी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आई एम श्योर आप सबको ऑलरेडी पता है. आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेगा. गुड इवनिंग हर्ष, थैंक यू सो मच वत्सल. ओके, और अगर आप चाहते हो सब्सक्रिप्शन लेना अनअकैडमी का तो आप ले सकते हो, और उसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हो विच इज कृति बी, और उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन के लिए. ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं. बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इट इज आईपीसी इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 299 पीनल कोड सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300. ओके, सेक्शन 299 क्या कहता है मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज सेक्शन 299 और सेक्शन 300 क्या बोलता है ये भी मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, होमिसाइड क्या होता है. सेकेंडली हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 299 क्या बोलता है, सेक्शन 300 क्या बोलता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना सबको परेशान करता है, समझ में नहीं आता कि 299 में क्या आएगा और 300 में क्या आएगा. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सेक्शंस 300 के एक्सेप्शंस पढ़ेंगे आप सेक्शन 300 के, और लास्ट में करेंगे हम MCQs जो कि मैं हर क्लास में लेके आती हूँ. पिछली वाली क्लास में नहीं थे आई नो, उसके भी मैं करा दूंगी सिटीजनशिप वाले के, लेकिन आज की क्लास के MCQ बहुत मजेदार होने वाले हैं. आज हम सिर्फ 299 और 300 इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ये आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए. ठीक है, अब किसी ने बताया 299 और 300 क्या है, वॉट इज सेक्शन 299 हेडिंग बता दो, और सेक्शन 300 की हेडिंग क्या है आईपीसी की, जल्दी से. प्यूर सेज कल्पेबल होमिसाइड 299, ओके एब्सोल्युटली करेक्ट. तो होमिसाइड क्या होता है, होमिसाइड होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान ने मार दिया, इस टर्म को हम होमिसाइड कहते हैं. यस करेक्ट,
सेक्शन 300 क्या बोलता है? लॉफुल, अब होमिसाइड भी दो तरीके के हो जाते हैं, या तो लॉफुल होमिसाइड होता है या अनलॉफुल होमिसाइड होता है। लॉफुल किलिंग हो सकती है या फिर अनलॉफुल किलिंग हो सकती है, ठीक है। लॉफुल किलिंग क्या क्या होती है? लॉफुल होमिसाइड वो होती है जो कि जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आती है आईपीसी में। आईपीसी में सेक्शन 76 से 106 तक आपको जनरल एक्सेप्शंस मिलते हैं, जिसमें अगर कोई क्राइम किया होता है तो उसके अंदर एक्सेप्शन कैसे मिलेगा वो इन सेक्शंस में दे रखा है। तो अगर कोई इंसान ने कोई क्राइम किया है और वो इस इन सेक्शंस में फॉल कर जाता है, तो उसने अगर कोई होमिसाइड कमिट किया है, कोई किलिंग कमिट करी है, तो वो लॉफुल मानी जाती है, ठीक है। एब्सोल्युटली करेक्ट पीयूष, मर्डर इज आर्टिकल। वत्सल भी करेक्ट है, मनमोहन भी करेक्ट है। हाँ जी, तो ये होता है मर्डर 300 में, और 299 में होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। अब आते हैं अनलॉफुल होमिसाइड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो चार चीजें हैं जिनको अनलॉफुल होमिसाइड बोला जाता है। सबसे पहला, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एक अनलॉफुल ऑफेंस है, लॉ इसे अलाउ नहीं करता। मर्डर सेक्शन 300 में है, एक अनलॉफुल होमिसाइड है। रैश और नेग्लिजेंट होमिसाइड ड्राइविंग है यहाँ पे, वो सेक्शन 304A में है, वो भी अनलॉफुल होमिसाइड है। और सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो एन अनलॉफुल होमिसाइड। तो अनलॉफुल होमिसाइड में चार चीजें आती है, 4 points, तो अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब सेक्शन 299 को फटाफट समझ लेते हैं। क्या बोलता है सेक्शन 299? देखो मैं एक बात बता देती हूँ, तुम लोग जब NLU's भी जाओगे, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जाना ही है पढ़ने के लिए, इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो सब लोग, तो अगर तुम कोई भी लॉ पढ़ो, ठीक है, एनी सब्जेक्ट ऑफ लॉ, वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। तो हमेशा किसी भी सेक्शन को पढ़ने के बाद उसको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में बांट लेना। उस सेक्शन में, आर्टिकल में कुछ एसेंशियल पॉइंट्स दिए होंगे और तुम्हें सिर्फ वही एसेंशियल पॉइंट्स याद करने होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जरूरी है कि तुम्हें ईजी पढ़े लॉ का सब्जेक्ट, तो तुम्हें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो सेक्शन 299 विच इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसके क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट, कॉजिंग ऑफ डेथ। तो पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, जल्दी बता दो, व्हाट इज द फर्स्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 299? ऊपर लिखते हैं, जल्दी बताओ, पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होता है सेक्शन 299 में? जब एक बार फर्स्ट बता दोगे फिर मैं सेकेंड पे आऊंगी। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आई एम श्योर दिखाई दे रहा है। संस्कार से इज कॉजिंग डेथ, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो सेक्शन 299 का फर्स्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है डेथ। इन केस डेथ नहीं होती है, किसी ने एक इंसान को बहुत मारा, खून एकदम बह गया पूरा, लेकिन डेथ नहीं हुई, ठीक है, तो वो सेक्शन 299 में नहीं आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज डेथ। सेकेंड, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन लगाई जाती है डेथ के साथ, एनी ऑफ द थ्री, तो वो सेक्शन 299 में फॉल करता है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये शब्द और से जोड़े गए हैं, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो एक ऐसा एक्ट हुआ है, याद रखना यहाँ पे एन एक्ट लिखा है, यहाँ पे द नहीं लिखा। मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में, बताया था कॉन्स्टिट्यूशन की, कि बहुत जरूरी है कि कोई शब्द लिखा हुआ है और उसको दूसरे शब्द से रिप्लेस नहीं किया गया। लॉ बहुत सोच समझ के बनाया जाता है कि यहाँ पे एन क्यों लिखा, यहाँ पे द क्यों लिखा। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे एन लिखा हुआ है, उसका एक रीजन है। जब हम मर्डर पे आएंगे, सेक्शन 300 पे आएंगे, तो मैं बिल्कुल समझाऊंगी कि यहाँ पे एन क्यों लिख रखा है, ठीक है। तो एक ऐसा एक्ट है, एन एक्ट, पहला विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। उस एक्ट को इसलिए किया गया है कि उसमें मेरी इंटेंशन है कि मैं सामने वाले इंसान की डेथ कॉज करना चाहती हूं, मैं नहीं, कोई और इंसान ऑफ कोर्स, ठीक है। सेकंड, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। ए ने ऐसी बॉडीली इंजरी की है बी को कि उससे
इज लाइकली टू कॉज डेथ. सेकेंड पॉइंट का सेकेंड क्लॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें शब्द यूज होता है लाइकली. क्यों लाइकली यूज हुआ है? यस एब्सोल्यूट आयुष ऑन पॉइंट, यही मैं बताना चाह रही हूं सबको. ग्रामर इंग्लिश वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहां पे लाइकली वर्ड यूज हुआ है. लाइकली का मतलब है या तो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है. ठीक है, अगर यहां पे लेजिस्लेचर ने सर्टेन वर्ड यूज किया होता एज इज सर्टेन टू कॉज डेथ, तो सर्टेन का मतलब क्या होता है? इन एनी केस डेथ होनी ही होनी है. तो अगर सर्टेन वर्ड यूज नहीं किया गया, उसका उल्टा शब्द यूज किया गया विच इज लाइकली, प्रोबेबिलिटी का शब्द यूज किया गया है, मतलब कि यहां पे लेजिस्लेचर ये बताना चाह रही थी कि ऐसी बॉडीली इंजरी होनी चाहिए जिससे शायद मर्डर हो, शायद डेथ हो या शायद डेथ ना हो. ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया कि लाइकली की यहां पे क्या इंपॉर्टेंस है. थर्ड, विद द नॉलेज दैट द डूअर इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ. अगेन यहां पे भी लाइकली शब्द यूज हुआ है, सर्टेन शब्द यूज नहीं हुआ है, मतलब या तो डेथ होगी या नहीं होगी, पक्का पक्का नहीं है. ठीक है, और उसको नॉलेज है. थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो इंसान मार रहा है उसे ये नॉलेज है कि डूअर जो भी करेगा उसकी एक्ट से लाइकली प्रोबेबिलिटी है कि शायद सामने वाला मर जाए. ठीक है, तो दो जो हमारे पॉइंट्स हो गए वो क्या क्या हो गए सेक्शन 299 के. पहला, अनिमेश हेलो हाय, सौरभ हाय, गुड इवनिंग. ओके, पहला क्या हो गया कि डेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेक्शन 299. सेकेंडली, इन तीन में से एक, तो इन तीनों में तो मेंटल स्टेट दी गई है, इंटेंशन दी गई है, तो इंटेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. ठीक है, आई होप सेक्शन 299 अब कोई भी कभी भी नहीं भूलेगा. बता दो मुझे, हाँ मैम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, NLU जाके भी नहीं भूलेंगे. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशंस पे. तो आईपीसी में क्या हुआ है, आईपीसी में हमारा लेजिस्लेचर मतलब कितना बढ़िया है, ऑलरेडी हमें सिचुएशन दे रखी है कि अगर ऐसा हो गया तो इसको इस वाले सेक्शन के अंदर डाल देना. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. पहला क्या कहता है, अब पहले एग्जाम्पल से ही ना मैं तुम्हें मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस कल्पेबल होमिसाइड का डिफरेंस समझा दूंगी. मतलब लिटरली पहले एग्जाम्पल से तुम समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस होता है और कभी नहीं भूलोगे. चलो, पहला क्या कहता है, ए ने कुछ स्टिक्स रख दिए हैं और एक गड्ढा खोद दिया है और उसको ढक दिया है, और उसकी इंटेंशन है कि वो डेथ कॉज करना चाहता है और उसे नॉलेज भी है कि शायद डेथ हो सकती है. ठीक है, जेड की, अब जेड वहां से जाता है और जेड को लगता है कि ग्राउंड तो फर्म है, ग्राउंड सही है, वो उसके ऊपर से जाता है, वो उस पर गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, ए ने ऑफेंस कमिट किया है कल्पेबल होमिसाइड का. ठीक है, अब मैं बताती हूं कि ये चीज मर्डर कब होती. अगर यार हमेशा कोई लड़का ही क्यों करे, आज लड़की का नाम लिखते हैं. अगर ऋतु ने श्यामा के लिए एक ऐसे जाल बिछाया है, ठीक है, एक टर्फ वर्फ बिछा रखा है, वो चाहती है कि श्यामा उसमें गिर जाए. ठीक है, वो उसमें गिर जाए, फॉल, जब वो फॉल करेगी तो हो सकता है कि उसकी डेथ हो या ना हो, श्यामा की डेथ हो या ना हो ये सर्टेन नहीं है, लेकिन उस पिट में उसने पॉइजनस स्नेक्स भी डाल दिए. ठीक है, पॉइजनस स्नेक्स भी हैं उस पिट में. अब पक्का है कि श्यामा अगर गिरने से नहीं मरती है तो इन स्नेक्स के काटने से वो जरूर मर जाएगी. करेक्ट, इंद्रजीत गुड इवनिंग. ठीक है, बताओ मुझे, इसकी वजह से तो बिल्कुल पक्के से मरी जाएगी ना श्यामा. तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे डिग्री बढ़ गई. जब भी डिग्री बढ़ जाती है किसी ऑफ डेथ होने की डिग्री बढ़ जाती है तो उसको हम मर्डर कहते हैं. ठीक है, लेकिन जब हमारे पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है कि गिरने से शायद मरेगा या नहीं मरेगा तो उसको हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहते हैं. तो टेल मी, अगर तुमसे आज के बाद कोई भी पूछे कि क्या डिफरेंस है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और मर्डर का, तो बता देना इलस्ट्रेशन 1 of 299 शोज अस द डिफरेंस. अगर वहां पे हमें कोई भी ऐसी चीज दी होती जिससे कि सर्टेनिटी हो जाती कि डेथ होगी ही होगी तो वो मर्डर होगा. ठीक है, आई होप
अब समझ में आ गया होगा। बी क्या कहता है, ए को पता है जेड एक बुश के पीछे खड़ा है, बी को नहीं पता है। ये तो मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ये मैं पहले वाली क्लास में भी करा चुकी हूँ। बी को नहीं पता है, ए चाहता है कि जेड की डेथ हो जाए। ए बड़ा मतलब यार ये कैसा सा इंसान है, जेड की डेथ करना चाहता है बताओ। ठीक है, तो वो बी से कहता है चल चल गोली मार दे। बी गोली मार देता है और जेड को मार देता है। तो यहाँ पे बी की कोई गलती नहीं है क्योंकि बी को तो पता ही नहीं था, बी की तो कोई इंटेंशन नहीं है, बी तो जानता भी नहीं जेड कौन है। लेकिन ए ने ऑफेंस कमिट किया है कल्पेबल होमिसाइड का, ठीक है, क्योंकि एक्ट उसने खुद नहीं किया लेकिन उसने किसी और से कराया, तो इसलिए इट इज कल्पेबल होमिसाइड। यस शंकर, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिग्री जो होती है वो हमेशा मर्डर में ज्यादा होती है। ठीक है, आगे भी मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ उससे रिलेटेड, बिल्कुल भूलना ही नहीं है ये टॉपिक, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट, ए क्या कर रहा है, एक शूट करता है फाउल को क्योंकि वो उसे मारना चाहता है और फिर उसे स्टील करना चाहता है। ठीक है, तो वो एक ऑफेंस करना चाहता है और उस चक्कर में वो बी को मार देता है जो बुश के पीछे है। ए यहाँ पे भी, ए को कुछ पता ही नहीं था बी वहां खड़ा है, अब बी तो मर गया, लेकिन तो ए हो सकता है कि एक अनलॉफुल एक्ट कर रहा था, स्टील कर रहा था, इसलिए अनलॉफुल एक्ट कर रहा था, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी नहीं है। ही वॉज नॉट गिल्टी क्योंकि वो बी को मारना नहीं चाहता था, ना ही वो ऐसी कोई एक्ट कर रहा था जिससे कि डेथ कॉज हो जाती, या फिर उसे ऐसा लगता कि उससे डेथ कॉज हो जाती। ठीक है, ए इज द वन। हाँ, ओके पीयूष, ठीक है, आई होप तीनों इलस्ट्रेशन समझ में आ गए। ए ने थर्ड वाले इलस्ट्रेशन में एक अनलॉफुल एक्ट किया है लेकिन उसने कल्पेबल होमिसाइड नहीं किया। ठीक है, जब भी तुम कोई मूवी वूवी भी देखते होगे आईपीसी वगैरह से रिलेटेड या फिर ऑफेंसेस से रिलेटेड, तो उसमें बोलते हैं ना धारा इसके अंदर है ये लाइबल, धारा इसके अंदर, तो ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही धारा के अंदर लाइबल होता है, बहुत सारी ऑफेंसेस लगते हैं उस इंसान के ऊपर जिससे देखा जाता है कि उसने क्राइम कमिट किया है। ठीक है, तो जब तक कि उसमें इंटेंशन या 299 या 300 के अंदर फॉल नहीं करेगा तो हो सकता है उस पर दूसरे ऑफेंसेस लग रहे हो लेकिन मर्डर नहीं लगेगा उसके ऊपर। आलोक गुड इवनिंग, ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है 299 का, पहला ये कहता है अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर। अच्छा, ये बहुत ईजी है, अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मारा जिसको कोई डिसऑर्डर था, डिसीज था या कोई बॉडीली इंजरी थी, तो क्या होगा, और उससे उसकी डेथ हो गई, तो ऐसा माना जाएगा कि उस पर्सन ने उसकी डेथ करी है। ठीक है, बी की सर्जरी हुई है, अभी अभी स्टमक सर्जरी हुई है बी की, स्टमक सर्जरी, और उसको मतलब उसको अगर थोड़ा सा भी मारेगा कोई पेट पे तो बी की डेथ हो सकती है। ए को नहीं पता कि बी की सर्जरी हुई है, ठीक है, तो भी अगर ए बी को मारता है और बी की डेथ हो जाती है तो ए इज लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, चलो सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। ठीक है, तो ए ने बी को मारा लेकिन उसे नहीं पता था स्टमक सर्जरी हुई है, तो ऑर्डिनरी कोर्स में तो नहीं मरता, तो हमेशा देखना ऑर्डिनरी कोर्स में मर सकता है या नहीं मर सकता है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं मर सकता था और फिर भी डेथ हो जाती है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन अगर ए को पता था कि अरे वाह स्टमक सर्जरी करा के आए हो तो आज हम आपको मार देते हैं, ठीक है, तो माना जाएगा कि ए ने बी का मर्डर किया है। ठीक है, तो मर्डर की डिग्री हमेशा ऊपर होती है, उसमें इंटेंशन कॉज एक्ट सब कुछ लगता है। ठीक है आयुष, अगर ऐसा होता है क्लैट में ना तो हमेशा देखना कि या तो मैं दो ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन आते हैं, अगर दो तीन भी आते हो ना तो आंसर लगा देना मेरे हिसाब से, दैट इज माय टेक, क्योंकि मैं अगर अटेम्प्ट ही नहीं करूंगी तो मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। लेकिन अगर मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं आता बेटा तो मत लगाना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास सिर्फ 25% चांस है कि सही होगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है, मेरे को लग रहा है बच्चों को आता है ये सब। प्रियंका हाय, ये क्लास चल रही है सेक्शन 299 और 300 आईपीसी, मर्डर और कल्पेबल होमसाइड का डिफरेंस बता रही हूं मैं। कोई ना कोई बच्चा प्रियंका को बता दे क्या डिफरेंस होता है इलस्ट्रेशन के हिसाब से, फटाफट। अनसाउंड माइंड वत्सल, अनसाउंड माइंड पे अभी वो एक्सेप्शन का केस है, एक्सेप्शन पे हम आते हैं, ठीक है, अभी हम जनरल रूल की बात कर रहे हैं। चलो अब एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है, डेथ अगर बॉडिली इंजरी की वजह से हुई है
और पर्सन जिसने ये बॉडीली इंजरी की है वो ऐसा माना जाएगा कि उसने डेथ करी है, ऑल दो बाई रिसोर्डिंग टू प्रॉपर रेमेडीज, अगर उसे अच्छा हॉस्पिटल वॉस्पिटल मिल जाता या अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती तो हो सकता है डेथ बच जाती, लेकिन ये रीजन वो जाके कोर्ट में नहीं बोल सकता कि अरे तुम उसे एम्स क्यों नहीं लेके गए, एम्स लेके जाते तो बेचारा बच जाता ना, कोई बात नहीं सॉरी मैंने मार दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ही विल स्टिल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री, कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वोम, ये बहुत ईजी है। एक्सप्लेनेशन थ्री क्या कहता है, मैं बहुत आसान शब्दों में बता देती हूं, अनबोर्न चाइल्ड, हाफ बोर्न, फुल्ली बोर्न चाइल्ड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन थ्री इन तीन चीजों की बात करता है। अनबोर्न चाइल्ड है तो वो ना ही मर्डर है ना ही कल्पेबल होमिसाइड है, वो मिसकैरेज में देखा जाएगा, ठीक है। अगर हाफ बोन है, हाथ बाहर आ गया पैर बाहर आ गया, तो उसे माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर पूरा बच्चा आफ्टर बर्थ बाहर आ गया है तो वो मर्डर कहलाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन थ्री बस इतनी सी बात बोलता है, बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। हेलो वेदांश, चलो अब सेक्शन 300 पे आ जाते हैं। तो 299 क्या कहता है हमें समझ में आ गया है, सेक्शन 300 क्या कहता है, तो मैंने बताया था सिर्फ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, ठीक है, पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या बोलते हैं, सेक्शन 300 में चार एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हमें दिखते हैं। पहला तो इंटेंशन, इंटेंशन बहुत जरूरी है। अब एक बात मैं बता दूं, 299 वर्सेस 300 में, सेक्शन 299 में एन लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन जब तुम सेक्शन 300 खोलोगे तो द लिखा हुआ है, द एक्ट, और सेक्शन 299 में एन एक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को ये बात पता है, बहुत कम लोग इतने ध्यान से भी देखते हैं ये चीज को, बट इट इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 299 में एन और द लिखा हुआ है। चलो आज थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। अब मुझे बता दो एन और द के बीच का फर्क क्या होता है, कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है, कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। तब तक मैं सेकेंड वाला पॉइंट समझा देती हूं। इंटेंशन जो है बॉडीली इंजरी को कॉज करने का, उस इंटेंशन है कि कोई बॉडीली इंजरी होती है, उसमें ऑफेंडर को पता है, ऑफेंडर नोज कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो उसी वजह से होगी जो एक्ट वो कर रहा है, ठीक है। थैंक यू मनमोहन, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कमेंट देख के, ठीक है। तो चलो जल्दी बता दो इनडेफिनेट डेफिनेट, कोई नहीं बता रहा है, मतलब ऐसे कैसे चलेगा, इंग्लिश भी तो अच्छी करनी है। इनडेफिनेट क्या होता है, जो स्पेसिफिक नहीं होता, इनडेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक नहीं होता, डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक होता है, डेफिनेट इज स्पेसिफिक, इनडेफिनेट नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। तो एन इनडेफिनेट है या डेफिनेट है, एन इनडेफिनेट है, एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो एन एक्ट मतलब कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एन एक्ट था ना, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं था, मतलब उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं थी, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही थी, इसलिए वो मर्डर नहीं होता। लेकिन द एक्ट डेफिनेट होता है, स्पेसिफिक होता है, मैंने गोली मारी सामने वाले को, बंदा मर गया और कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, सीधा सीधा मर्डर है, ठीक है। इसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगी, चलो आज अभी 13 ही बच्चे हैं ना क्लास में, तो मैं धीरे से बता देती हूँ। इसकी ट्रिक ये होती है कि जहां पे भी गोली मारी गई हो लिखा है, ठीक है, शूट किया है, तो 99% केसेस में मर्डर होता है, ठीक है, क्योंकि कोई और प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इंसान ने गन बनाई इसलिए ना कि सामने वाला मर जाए, खेलने के लिए तो नहीं बनाई है, ठीक है। तो इन 99% ऑफ द केसेस अगर शूट लिखा होगा क्वेश्चन में तो मर्डर लगा देना, ठीक है, पर क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना प्लीज, पता चला बोलो कि अरे मैम आपने बोला था, मैं पूरा बता रही हूं कि क्वेश्चन पढ़ लेना, 99% केसेस में शूट मर्डर ही होता है, चलो ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया 299 में एन दिया हुआ है, इसलिए स्पेसिफिक मतलब इसलिए हमें ये नहीं पता कि सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, लेकिन द में सर्टेनिटी होती है, उसी से पता चल जाएगा मर्डर ही होता है। एक और चीज बता देती हूं, अभी 13 ही बच्चे, थोड़े बढ़ जान दो फिर बताती हूँ, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इंटेंशन होनी चाहिए ऐसी बॉडीली इंजरी करने की, ऑफेंडर को पता हो, यहाँ पे नोज शब्द आ गया, मुझे भाई नॉलेज है कि मैंने मारा तो मर ही जाएगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मर्डर बन जाता है। फिर थर्ड क्या बोलता है, एक ऐसी इंटेंशन है टू कॉज बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन, की बॉडीली इंजरी जो इन्फ्लिक्ट की गई है वो सफिशियंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। किसी के सर पे गोली मारना, शूटिंग करना इज मर्डर, ठीक है। मतलब मैं बहुत 10 इंच की दूरी पे किसी से खड़े हुए हो, शूट कर देते हो, तो ऑब्वियसली मर्डर ही होगा। तो सफिशियंट होना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में। लेकिन अगर हवा में कोई इंसान शूट कर देता है और गोली लग जाती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो शूटिंग में ये चीज भी ध्यान रखना। अरे नहीं नहीं मैं ठीक हूं, मैं यहीं पे ठीक हूं, ठीक है। केशव पूछा है, व्हेन शूट इन लेग्स, शूट इन लेग्स, उसके बाद डेथ हो गई, बहुत पास से मारा, इट इज मर्डर, ठीक है, इंटेंशन के साथ मारा। फोर्थ, पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। तो पर्सन जो एक्ट कर रहा है उसे पता है कि वो इतनी डेंजरस एक्ट है कि वो हर हालत में डेथ ही कॉज करेगा, ठीक है, तो अभी हम मानेंगे कि वो मर्डर ही होगा। हाँ, मतलब 300 के मर्डर में ही होता है कि सबसे ज्यादा इंटेंशन होती है, ठीक है। अब मर्डर के इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। ए ने जेड को मारा विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम और जेड मर गया, तो ए ने क्या किया, मर्डर। यहाँ पे शूट आया है, मैंने बताया था, और उसकी इंटेंशन भी है, तो ये हमेशा मर्डर होता है। बी, ए को पता है कि जेड को ऐसी कोई बीमारी है कि उसको चोट लगेगी छोटी सी भी तो वो मर जाएगा। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि जेड मर जाता है, ए को पता है कि उसको चाटा मारने से भी उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी सर्जरी हुई है और आप उसी जगह मारोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, और वो मार देता है, तो वो मर्डर होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसे नहीं पता है, बट इफ ए नॉट नोइंग कि जेड को कुछ डिसीज है और फिर उसके बाद ऐसा ब्लो देता है, तो फिर वो नहीं माना जाएगा मर्डर, वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आ जाता है, ठीक है। यार एक सेकेंड, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मनमोहन ने पूछा है, मैम कोई किसी को गोली मारता है और बच जाता है, डेथ ही नहीं हुई मनमोहन, मैंने बताया डेथ तो प्राइमरी है, डेथ नहीं हुई तो कुछ भी हो जाए, इट्स नॉट मर्डर। टू, सेकेंड पॉइंट एक बार रिपीट करें। यार वत्सल मुझे जरा बता दो सेकेंड पॉइंट कौन सा था, ठीक है। फिर केशव ने पूछा है, शूटिंग इन लेग्स, बहुत पास से मारा, इंटेंशन के साथ मारा कि डेथ ही करनी है, ठीक है, तो वो मर्डर ही होगा, इंटेंशन भी देखनी है ना, ठीक है केशव। अगर इंटेंशन के साथ आप मार रहे हो कि डेथ ही करनी है, बहुत सारे मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि डेथ नहीं करनी है तभी पैर में मार रहे हैं, लेकिन शूटिंग इन लेग कैन ऑल्सो कल्मिनेट इनटू डेथ, राइट। मर्डर का कौन सा सेकेंड पॉइंट था, अच्छा तो ये बोल रहा है कि ऑफेंडर को पता है, नोज इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि डेथ ही होगी, ठीक है। वत्सल एक बार ये जो वत्सल नहीं, किसने पूछा था ये वाला, हाँ हाँ प्रियंका, पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी। आ गया, हाँ केशव मैं ये बोल रही हूँ, मैं एक बार ये वाला पार्ट पढ़ लूंगी कि शूटिंग इन लेग्स में क्या होगा, ठीक है, पक्का। और मैं टेलीग्राम वाले चैनल पे इसका आंसर भी लिख के दे दूंगी, ठीक है। अगर नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड है तो कोई बात नहीं, नॉट अमाउंटिंग लगाएंगे, और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है तो वो आंसर होएगा, वरना फिर ये आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलो अब थर्ड इलस्ट्रेशन क्या कहता है, कि ए ने जेड को एक स्वॉर्ड कट दे दिया जो कि सफिशियंट था ऑर्डिनरी कोर्स में किसी की भी डेथ करने का। तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए मर्डर के लिए लायबल होगा, ए ने मार दिया है जेड को, इवन दो वो जेड की डेथ कॉज नहीं करना चाहता था। प्रियंका मेरा नाम कृति भटनागर है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, ए ने बिना किसी एक्सक्यूज के फायर किया एक लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्संस और फिर एक को मार दिया, ठीक है, बहुत सारे लोग थे उसमें उसने फायर किया, तो ए क्या है, ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, इवन दो उसने पहले से नहीं सोच के बैठा था, फिर भी मर्डर के लिए लायबल है, क्योंकि उसको नॉलेज थी कि वो अगर इतनी सारी भीड़ में गोली मारेगा तो कोई ना कोई मर जाएगा, ठीक है। हाँ वेदांश, अटेम्प्ट टू मर्डर में आएगा। आई अमन, गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद आई थिंक आप आए हो। चलो अब आता है डिस्टिंक्शन, तो कैसे डिस्टिंक्शन करते हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का। पहली चीज, ये केस लॉ में बोला गया कि मर्डर स्पीशीज होती है और कल्पेबल होमिसाइड जेनस होता है। कैसे, ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, ठीक है। तो जितने भी मर्डर होते हैं
मर्डर, ओके, ये सब के सब कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आते हैं, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते हैं, ठीक है? ये लाइन हमेशा याद रखना, लॉ स्कूल में भी जाके पढ़ोगे। सेकंड, मर्डर में हमेशा स्ट्रॉन्गर इंटेंशन टू किल होती है। अब यहां मैं बताऊंगी वो पॉइंट जो मैं बता रही थी, अब 16 बच्चे हो गए हैं, और कोई आना चाहे तो उनको प्लीज बोल देना, क्योंकि अब क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। अच्छा, चलो फिर तो बढ़िया है, नाइस टू सी यू। ठीक है, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूं। एक सेकंड, क्या बता रही थी मैं? कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस। हाँ, तो इसमें इंटेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हमारा जो आईपीसी है ना, वो इस बेसिस पे बना हुआ है कि जो अक्यूज्ड है उसको हमेशा, मतलब इस डिग्री का प्रूफ करना होता है दूसरी साइड को कि अक्यूज ने ही किया है जो क्राइम किया है। मतलब कि जो हमारा आईपीसी है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि चाहे 100 अक्यूज छूट जाए, लेकिन एक इनोसेंट जेल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा आईपीसी है वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अक्यूज की साइड बायस्ड है। तो हमेशा मर्डर सबसे लास्ट, मतलब सबसे ज्यादा ग्रेव केसेस में बोला जाता है। मोस्टली आंसर कल्पेबल होमिसाइड ही होता है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो आईपीसी है, कौन सा वाला पॉइंट, हमारा जो आईपीसी है वो ये कहता है कि 100 लोग चले जाएं जिन्होंने कुछ गुनाह किया हो, लेकिन एक मासूम इंसान जेल नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो प्रोसिक्यूशन है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन थी मर्डर को करने की, तभी मर्डर माना जाएगा, वरना बाकी सारे केसेस में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, मोस्टली आंसर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। लेकिन अगर तुम्हारा लॉजिक ये बोले कि यार इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, मर्डर ही, मतलब डेथ होती ही होती, इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ होती, तो ही मर्डर लगाना। जैसे मैंने वो वाला केस बताया था कि वो जो टर्फ था जिसमें वो गिर गई, उसमें अगर उसने सांप रख दिए होते तो इन एनी केस डेथ होती होती, क्योंकि कोई रास्ता भी नहीं था बाहर आने का। ठीक है, 7 बजे ही होती है प्रियंका, बस कल 8 बजे एक और क्लास है अनअकैडमी के ऐप पे, उसका लिंक भी मैं अपने अकाउंट में दे दूंगी टेलीग्राम वाले चैनल पे। तो कल 8 बजे की क्लास जरूर अटेंड करना, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले मैंने ये बोला था कि सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बोल रहा है ना सेक्शन 299, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे कुछ कल्पेबल होमिसाइड है जो मर्डर है ही नहीं, है ना? लेकिन मर्डर हम हर केस में कल्पेबल होमिसाइड होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति का एज 18 से कम है पर उसका मोटिव है मर्डर करना। वत्सल, एज को लेके काम बोला गया है, मेरे ख्याल से एज तो कहीं दी ही नहीं है। वो 7 साल और 12 साल वाली आती है, वो एक्सेप्शंस में आती है, 76 to 106। ठीक है, अब बात करते हैं 300 के क्या एक्सेप्शंस है। अब इन एक्सेप्शंस के बाद क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर मेरी क्लास के बच्चों को समझ में आ गई है आज की क्लास, तो वो आज के सारे क्वेश्चन सही सही करेंगे, और नहीं आई है तो मैं बैठ के जरा पूछूंगी कि क्यों समझ में नहीं आई। ठीक है, एक्सेप्शंस की बात करते हैं। पहला एक्सेप्शन, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर वो ऐसे पर्सन से किया गया है जिसको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दी गई थी। ठीक है, ए अपनी वाइफ को बी के साथ देखता है, ठीक है, और उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ जाता है कि उसने बी के साथ क्यों है वो, और वो उसे मार देता है। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मर्डर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इंटेंशन नहीं चाहता था, लेकिन उसको इतनी जोर से गुस्सा आया कि उसने मार दिया। सेकेंड, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर नहीं होगा जब ऑफेंडर कॉज करता है डेथ वाइल एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ए वॉज कमिटिंग रेप ऑन बी, तो वो प्राइवेट डिफेंस में बी ने ए को मार दिया, तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, थर्ड, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा अगर पब्लिक सर्वेंट ने किसी और की डेथ कॉज करी वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एंड इन गुड फेथ, और वो बिलीव करता है कि उसकी जो एक्ट्स हैं वो लॉफुल है। ठीक है, ए जो पुलिस वाला है वो बी को पकड़ने गया था, लेकिन बी उसको मारने लग गया, तो जो पुलिस वाला है उसने बी को मार दिया, तो यहाँ पे भी ही विल नॉट बी लायबल, ठीक है, फॉर मर्डर। फोर्थ क्या बोलता है कि एक सडन फाइट हो जाती है और हीट ऑफ पैशन में अपॉन अ सडन क्वारल वो उसको मार देता है। ठीक है, तो भी वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा।
ठीक है। और लास्ट क्या कहता है कि एक पर्सन की डेथ हो जाती है विद हिज ओन कंसेंट व्हेन ही इज अबव 18 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। वो खुद से बोल देता है कि हाँ ठीक है, मतलब दिस हैपन टू मी, तो दिस कैन हैपन टू मी, मतलब वो साइन कर देता है पेपर या कुछ ऐसा कुछ, तो फिर माना जाएगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, मर्डर नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो आज के ताजा सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, ए ने बी को मारा हैमर के साथ, बी का बहुत सारा ब्लड लूज हो गया, बी को हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने बोला कि बी का ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो दूसरे हॉस्पिटल में अवेलेबल है जो सामने ही था, लेकिन बी उतने टाइम में मर गया। अब ए कह रहा है तो ए लायबल है या नहीं है मुझे बता दो फटाफट। चलो वी आर ऑन टू क्वेश्चंस, माय फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। सो ए लायबल है या नहीं है, सब कह रहे हैं ए, ए इज लायबल फॉर, ओके। और किसी को आंसर देना है? ए इज नॉट लायबल, ओके। प्रियंका बोल रही है ए इज नॉट लायबल, बी बोल रही हो प्रियंका? मैम इमेज क्लियर नहीं है यार, बाकी तो आंसर कर रहे हैं। हाँ ठीक है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका आंसर है ए, ए इज लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि मैंने बताया था कि उसमें ये चीज दे रखी है कि जस्ट बिकॉज उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसको तुम जाके ये नहीं बोल सकते कि तुम दूसरे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, वो बेचारा उसकी डेथ हो गई यार, ऐसे थोड़ी बता सकते हैं उसको। तो वो लायबल होगा ए, तुम्हारी वजह से डेथ हुई है ना, तो वो लायबल होगा फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इन दिस केस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन करेक्ट, प्रियंका बताया ना मैंने उस सेक्शन 299 में लिखा हुआ है, सेक्शन 299 में ये चीज दे रखी है एक्सप्लेनेशन में कि अगर प्रॉपर रेमेडीज या ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान है उसने मारा उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, ऐसे तो बहुत सारे मर्डर हो सकते हैं ना कि तुम लेके नहीं गए डॉक्टर के, मैं क्या करूं, ये तो गलत हो जाएगा ना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, ए नॉट नोइंग दैट डी हैज अ ट्यूमर इन हिज ब्रेन हिट्स हिम हार्ड ऑन द हेड विद अ क्रिकेट बैट, डी डाइज बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ द ट्यूमर, ए को पता नहीं था कि उसके सर पे ट्यूमर है, तो ए किस चीज के लिए लायबल है? एब्सोल्युटली करेक्ट, अच्छा ये थोड़े, हाँ प्रियंका वेरी गुड, किसी ने ए भी बोला है किसी ने बी बोला है, चलो मतलब अच्छा कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, जरा ये शब्द पढ़ लो, मैं बता चुकी हूं ये ऑप्शन बहुत अच्छे से, ए नॉट लिखा हुआ है, ए नॉट, उसको पता नहीं था, तो ऑर्डिनरी कोर्स में डी नहीं मरता, क्रिकेट बैट से मारा, बार बार नहीं मार रहा था, एक बार मारा छोड़ दिया, तो उसे नहीं पता था कि उसके सर में ट्यूमर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब नहीं पता होता है सामने वाले को और ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं मरता इंसान, तो वो होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मैंने हमेशा बोला है कि मर्डर लास्ट रिजॉर्ट होगा किसी भी केस में, मतलब कुछ नहीं दिख रहा और तो मर्डर होता है, ठीक है। चलो थर्ड पे आ जाओ, ए को लगता है कि बी, ओ ये बहुत ही, मुझे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगता है ये ना, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, दिस इज एन अमेजिंग केस। ए को लगता है कि बी एक बी के अंदर भूत घुस गया और वो बी को मारना शुरू कर देता है और बी की डेथ हो जाती है। अब ए की लायबिलिटी बताओ, मर्डर ग्रीवियस हर्ट लायबल, ही इज नॉट लायबल क्योंकि इंटेंशन ही नहीं थी बेचारे की, या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जल्दी बताओ। ए को लगता है बी में भूत है, बी भूत, और वो बी को बहुत मारता है, प्रियंका सेज बी ग्रीवियस हर्ट, अच्छा सेज डी, वेदांत सेज बी, हर्ष सेज डी, इशिका सेज डी, इशिका हेलो, संस्कार सेज डी सी, अच्छा चलो अब मैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को लगता है ऐसा तुम सबको, रौनक सेज ए, अनिमेश सेज डी, केशव सेज सी, बड़े कंफ्यूज हैं इस सब में। मैंने क्या बताया, हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है मर्डर, ठीक है। वो मर्डर करने के लिए मार ही नहीं रहा था,
ठीक है, उस वो तो वो उसको इसलिए मार रहा था क्योंकि उसको लगा कि उसके अंदर भूत है, ठीक है। तो दिस इज नॉट मर्डर। ग्रीवियस हर्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डेथ हो गई है। डेथ हमेशा या तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में होगी या फिर मर्डर में होगी, ठीक है। तो बी तो हो ही नहीं सकता। नॉट लायबल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने कुछ तो गलत किया, किसी की डेथ हो गई, कोई तो जस्टिस देगा। तो सी भी आंसर नहीं है। बचता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। डी मैंने क्या बोला था, नहीं हो सकता। लाय सी तो हो ही नहीं सकता संस्कार, ठीक है, क्योंकि किसी की तो डेथ हुई है ना, उसने कॉज तो कर दी डेथ, ठीक है। मर्डर नहीं हो सकता है, पर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा क्योंकि यहां पे वो उसे उसको मारने की इंटेंशन से नहीं कर रहा था, ठीक है। उसको लग रहा था उसके अंदर भूत है, लेकिन उसने डेथ कॉज कर दी, तो इंटेंशन कम हो गई। मैंने क्या बताया है कि मर्डर में इंटेंशन सबसे ज्यादा होती है, मतलब मर्डर में इंसान का पूरा मन होता है कि मुझे इसे मारना है, ठीक है। लेकिन यहां पे उतनी इंटेंशन नहीं थी, वो सिर्फ भूत भगाना चाह रहा था उसके अंदर से। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। तो कोर्ट ने ये बोला था ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। चलो ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चंस। ए अपनी सिस्टर की वेडिंग अटेंड कर रहे हैं और वो जब वेन्यू जा रहे हैं तो ए ने पिस्टल निकाली और सीधा फायर करना शुरू कर दिया स्काई की तरफ, और बुलेट थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, बुलेट भी मतलब ऐसे 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 होके जा रही थी, और उन्होंने एक मैन को मार दिया जो अपनी रूफ पे खड़ा हुआ था। तो अब बता दो ए की लाइबिलिटी क्या है। ओके, नॉट लायबल है, लायबल है, लायबल कल्पेबल होमिसाइड के लिए, या फिर नॉट लायबल है अगेन बिकॉज उसकी इंटेंशन ही नहीं थी। चलो सब सीख रहे हैं। ओके गाइस, इसका आंसर है सी। चलो पहली चीज, नॉट लायबल एज ही ओनली इंटेंडेड टू एंजॉय हिज सिस्टर्स वेडिंग, तो कोई लीगल रीजन है ही नहीं, तो ए को हटा देना। अगर तुम्हें क्लैट में कंफ्यूजन हो, बाकी के ऑप्शंस को भी देखो। मर्डर हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है, वो किसी को मारना ही नहीं चाह रहा था, ठीक है। उसने शूट किया लेकिन वो किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ शूट नहीं कर रहा था, तो बी भी नहीं होगा। डी नॉट लायबल बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन, तो यहाँ पे उसे नॉलेज है ना, तुमने नॉलेज शब्द पढ़ा था ना जब मैंने पढ़ाया था, कि उसे पता तो है ना कि उस वो जो भी एक्ट करेगा उससे डेथ हो सकती है। अगर आप इतने सारे लोगों के बीच में गन चला रहे हो तो नॉलेज है ना कि डेथ हो सकती है, तो क्या होगा, मर्डर लास्ट रिजॉर्ट होता है, मैंने बताया था। तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। मर्डर में इंसान इंसान भी स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैं इसी को मारना चाह रही हूँ, ठीक है। इंटेंशन भी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में होते हैं जब इनडेफिनेट पॉसिबिलिटीज हो जाती है, याद रखना। स्पेसिफिक नहीं होता कुछ भी, ना पर्सन स्पेसिफिक है और ना ही एक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ए बहुत ही नाराज है क्योंकि उनकी जो काफ है वो, और हाँ नहीं 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 सही है सही है, वो एक इंसान है जो मर गया उसके घर पे चली गई है, मतलब अभी मरा नहीं है वो, ये भी क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के केस का। तो ए क्या करता है, डिसीज्ड के घर जाता है और उसे बहुत गाली वाली देता है, और जब उसे रोकने की कोशिश करता है डिसीज्ड, तो ये जो ए है ये मार देता है डिसीज्ड को गोली। तो अब ये बता दो, और डिसीज्ड के पास उस टाइम पे कोई गन वन नहीं थी, कुछ नहीं थी, वो बस वर्बली फाइट कर रहे थे, तो ए किस चीज के लिए लायबल है। काफी ज्यादा डिफरेंट आंसर्स, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। और कोई आंसर देना चाहता है, तुम्हें खुद ही आंसर मिल जाएगा। मतलब तुम्हारा नेबर तुमसे फाइट करने आ गया, ठीक है, और तुम बस वर्बली फाइट कर रहे थे, उसने गन निकाली और मार दी, क्या होगा ये। मतलब कभी कभी पता है, मतलब नहीं लगाना चाहिए खुद पे, आई अंडरस्टैंड, पर आज लगा लो ताकि तुम्हें आंसर सही सही मिल जाए। तो आई टेल यू, आंसर इज लाइबल फॉर मर्डर, क्योंकि यहां पे वो लोग कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं था,
ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो उससे वो भी गन लेके बैठा हुआ था तो उसने निकाली, नहीं कुछ भी नहीं था, प्राइवेट डिफेंस भी नहीं कर रहा था। तो इन एनी केस वो मर्डर हुआ, ठीक है। यहाँ पे उसने सीधा गोली चला दी और शूट कर दिया बिल्कुल पास से। तो मैंने कहा था 99% ऑफ द टाइम जब बहुत पास से शूट किया जाता है और डेथ हो जाती है तो वो इन एनी केस मर्डर ही होता है। चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होता? इंटॉक्सिकेशन, सडन एंड ग्रेट प्रोवोकेशन, इररेजिस्टिबल इंपल्स, ऑल ऑफ द अबव। कब मर्डर नहीं होता है कल्पेबल होमिसाइड? चलो बच्चों बताओ मुझे। मैंने कब बताया कि इंटॉक्सिकेशन के केस में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है? वो जो मैंने एक्सेप्शंस पढ़ाए तुम लोगों को उसमें इंटॉक्सिकेशन कहा था या इररेजिस्टिबल इंपल्स कहाँ लिखा हुआ था? ये शब्द ही यूज नहीं हुआ था। मैंने क्या बोला है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन द वर्ड। द आंसर इज बी, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। ठीक है, ये दोनों शब्द नहीं दे रखे। सेक्शन 300 के एक्सेप्शन देख लेना, अभी कहीं भी ये दोनों शब्द नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, बचा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, वो होता ही है। चलो जल्दी से, ए जो है एक विटनेस की तरह अपियर होता है जेड के सामने जो कि एक मैजिस्ट्रेट है। जेड बोलता है कि मैं ए को बिलीव ही नहीं करता, ए एक नंबर का झूठा इंसान है। और ए को आता है गुस्सा और वो जेड को मार देता है। तो ये क्या है? क्या है? ए ने जेड को मार दिया, गुस्सा आया मार दिया, और जेड एक जज है। इस क्वेश्चन का आंसर है, कोई बात नहीं प्रियंका, कोई बात नहीं, हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूं अभी भी। लॉ बहुत मतलब चेंज होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा नहीं करना है पीयूष, पूरा पढ़ना है क्वेश्चन। जो लोग मर्डर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस इज नॉट कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि ए ने जेड को कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे नहीं मारा। सिर्फ वो उसको ये बोल रहा था कि आपकी मैं कोई बात नहीं मानता, इसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या हो गया? ऐसे कोई एक्ट नहीं हुआ जिससे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो जाए, ठीक है। तो उसने उसे सीधा मार दिया, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज मर्डर, बहुत पास से गोली मार दी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई जेड एक सर्जन है, गुड फेथ में पेशेंट को बोलते हैं कि जो पेशेंट है वो रह नहीं पाएंगे आज के बाद, सॉरी। अब इसके चक्कर में शॉक लग जाता है और वो मर जाते हैं। एक्स वाई जेड किसके लिए लायबल है? व्हाट इज एक्स वाई जेड गिल्टी ऑफ? या तो किसी ने अभी तक इसका आंसर नहीं दिया है, बेटा प्लीज याद रखना, अगर डॉक्टर अपने पेशेंट को कोई भी चीज बताता है इन गुड फेथ, नॉट टू कॉज डेथ बट इन गुड फेथ टू टेल हिम अबाउट हिज मेडिकल कंडीशन, इट इज ऑलवेज नो ऑफेंस। दुनिया के आधे डॉक्टर्स बेचारे ना फिर जेल जाएंगे अगर तुम लोग ये ऐसे लगाओगे तो। अगर कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा या मर्डर माना जाएगा या डेथ मानी जाएगी बाय नेग्लिजेंस, दुनिया के आधे डॉक्टर्स, तो डॉक्टर क्या करे, जॉब छोड़ दे? नहीं ना, करेक्ट प्रियंका, नो ऑफेंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, डॉक्टर अगर अपने पेशेंट को बताता है गुड फेथ में, गुड फेथ में, अगर डॉक्टर चाहता है पेशेंट की डेथ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर वो गुड फेथ में बताता है तो इट्स ऑलवेज नो ऑफेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक रियल केस है। ये जो ये डिसीज है, ये मम्मी है, मम्मी ने अपने बेटे को मना किया कि फिशिंग मत जाओ। अब इससे गुस्सा आ गया बेटे को और बेटे ने क्या किया, एक एक्स उठाया और उसके शोल्डर पे मारा। अब वो शोल्डर पे मारा पर वो मर गई, ठीक है। कोई प्री प्लान नहीं था, पहले से सोच के नहीं बैठा था, सुबह से ऐसे प्लान नहीं कर रहा था वो, चलो आज ऐसे मर्डर करेंगे। और जो ब्लोस थे वो नेक हेड पे भी नहीं थे, सिर्फ हाथ पे मारा और उनकी डेथ हो जाती है। अब और लाइकली टू कॉज बॉडीली इंजरी विच वॉज लाइकली टू कॉज डेथ, और ये जो डेथ हो गई ये स्पर ऑफ मोमेंट एंड एंगर में हो गई, गुस्से में हो गई। बताओ किस चीज के लिए लायबल है? यहां तो सब कुछ आंसर दे रखा है,
जो लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, आपको मिलता है एक एनएलयू, और जो लोग बी लगा रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर में जाके सीधा सी लगाएंगे तो आपको भी मिलता है एक एनएलयू। बी आंसर बेटा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्री प्लान नहीं था, नेक पे नहीं मारा, हेड पे नहीं मारा। मैंने क्या बोला, मर्डर हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है, सबसे ज्यादा इंटेंशन वाला होता है, मतलब बिल्कुल मान के बैठा होता है कि आदमी को मर्डर ही करना है। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। ए बी को मारता है 24 बार हेड पे, नेक पे, शोल्डर्स पे और वाइटल पार्ट्स में मारता है, अब किसके लिए लायबल है? ये कोई गलत नहीं करेगा, ये कोई गलत नहीं करेगा, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा दिया है मैंने। सी नॉट लाइक इशिका सेज बी, केशव सेज बी, हर्ष सेज बी, अंका सेज डी। बेटा अच्छा मैंने लिखा नहीं है क्या, यहाँ ए मर जाता है, ए हैज डाइड। ठीक है तो देखो डी तो हो ही नहीं सकता, तो चलो बाय बाय ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि डेथ हमेशा सेक्शन 299 या 300 में ही होती है। नॉट लायबल भी नहीं होगा क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है, बचा ए और बी। वाइटल पार्ट्स में सब जगह मारा है, 24 बार मारा है, अब क्या लोगे? और 24 बार मारेगा आदमी तो मरेगा ही ना, तो लास्ट रिजॉर्ट हो गया ना ये, तो ये क्या हुआ, मर्डर। ठीक है चलो इस बार करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 11। अक्यूज्ड हैं, दो अक्यूज्ड हैं हाउस रॉबरी कमिट करने के लिए, एक के घर में जाते हैं और नाइफ वाइफ उठा लेते हैं और मार देते हैं इंसान को। ठीक है, ए वन ए टू सी के घर गए, सी को मार दिया नाइफ उठा के, सी की सिस्टर को भी मार दिया, ठीक है मतलब इंजरी कर दी, और बाकी जो थे वो लेग डिसीज के लेग वेग पे मारा, मतलब बहुत मारा वारा। अब बता दो अक्यूज किस चीज के लिए लायबल है, मर्डर, ओनली रॉबरी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या फिर नॉट लायबल? बेटा यहां लाइकली नहीं है, यहां नॉलेज है, लाइकली वर्सेस नॉलेज, उसको पता है वो ऐसे मारेगा तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, वो रॉबरी करने आया था सिर्फ, लेकिन उसने उसे मार दिया, ठीक है, और वो उसने उसे इंजरी करी हर जगह, नाइफ से मारा, अगर आप गले से ऐसे काटोगे एब्डोमेन पे तो इतना ज्यादा खून निकलेगा ना कि डेथ हो सकती है। ठीक है, तो उसकी इंटेंशन जो है वो फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे दिस इज मर्डर। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो हम और क्वेश्चंस कर लेंगे इसके ऊपर, अगर अभी भी डाउट क्लियर नहीं है तो हम और क्वेश्चंस कर लेंगे। कल फंडामेंटल राइट्स की क्लास है और कल 8 बजे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है, तो वो अटेंड जरूर करना ताकि तुम्हें पता चल जाए। 8 बजे की जो क्लास है वो उस पर है अन अकेडमी ऐप पे, तो वो अटेंड जरूर करना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम कितना पढ़ लिए हो अभी तक। 7 से 8 में पढ़ाऊंगी और 8 से 9 अपना टेस्ट रहेगा। ठीक है केशव, कंफ्यूज हो कोई बात नहीं, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी इसके लिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा टफ हो गया इस टॉपिक, तो मैं एक और वीडियो ले आऊंगी इसके क्वेश्चन पर ही। ठीक है चलो, ए के पास एक गन है, वो हंटिंग करने जाना चाहता है, हंटिंग वहां पे प्रोहिबिटेड है, ए फायर कर देता है और सी को मार देता है जो कि एक बुश के पीछे खड़ा हुआ था, तो ए किस चीज के लिए लायबल है? थैंक यू मनमोहन, कल यूट्यूब पर है 7 से 8, 7 to 8 यूट्यूब क्लास है फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगी, और 8 से 9 अन अकेडमी के ऐप पे है। ठीक है, मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगी अन अकेडमी ऐप का जो वो लिंक है, तो 8 से 9 हम क्लैट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पैसेज बेस्ड, चलो क्या बोल रहे हैं सब ये, बच्चों मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था ना कि ये एक इलस्ट्रेशन है, वो फाउल वाला याद है सेक्शन 299 का इलस्ट्रेशन 3, वो उसमें क्या बोलता है कि वो एक फाउल को स्टील करना चाहता है और मार देता है, लेकिन उसके चक्कर में कोई और आदमी मर जाता है, तो वो नॉट लायबल होता है। वो प्रोहिबिटेड एरिया में गया, वो हंटिंग करने गया, वो भी अलाउड नहीं था, तो वो इस एक्ट के लिए अलग चीज के लिए लायबल होगा।
वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, यहाँ पे ना उसकी इंटेंशन है ना उसे पता था उस बेचारे, वो मर्डर से कहीं तक दूर तक नहीं है। प्रियंका, प्रियंका दो ही क्लासेस हुई हैं अभी तक, इससे पहले मैंने मेंस रिया, एक्टर्स रिया ये सब समझाया है, बस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्लास मिल जाएगी। ठीक है, सो ही इज नॉट लायबल, ये सीधा सीधा आईपीसी से उठाया मैंने जो पढ़ाया था। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आज तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आया है ज्यादा, पर चलो कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगी, हम सब समझ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज वाली क्लास ले आऊंगी। ठीक है, चलो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। तो कल फंडामेंटल राइट्स की क्लास है और फिर 8 से 9 अन अकेडमी पे टेस्ट सेशन है। ठीक है, और अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, विच इज कृति बी। ओके, बाय एवरीवन, कल की तैयारी करके आना फंडामेंटल राइट्स पे।